हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा दीपक ब्लॉग्स। और इस वक्त रात के टाइम हो रहा है 8:04, और जैसे कि आज सैटरडे था और ये ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं शाम को, और अभी बनने की तैयारी हो रही है। पता है क्या, मैं बता रहा हूँ रेखा को खिचड़ी बनाने के लिए, क्योंकि आज सैटरडे भी है, थोड़ा सा नीचा भी उतर सकते हैं। खिचड़ी किस तरीके से हमारी खिचड़ी बन रही है, मैं वैसे अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को खिचड़ी कैसे बनाया। रेखा तो पहली बार बना रही हूँ, मैं तो भाई पहली बार ही बना रही हूँ। बता, मैं रहा हूँ, मुझे भी उतनी तरह अच्छी तरह ध्यान नहीं है कैसे क्या बनता, पर बता रहा हूँ। खिचड़ी बना खिला दो, कैसे बना जाए बाबू बता रहे, वैसे वैसे बना रही मैं, आप देख और देखते हैं वैसे कैसे खिचड़ी बनती है आज हमारी, या बीरबल की खिचड़ी बनती है या फिर हमारी खिचड़ी बनती है, देखते हैं। अभी दिखा रहा हूँ आप लोग, देखिए जरा। तो देखो गाइस, ये है खिचड़ी, देखो इसमें क्या क्या डाल दिया। तो देखिए इसमें मैंने क्या क्या डाला, इसमें है नीचे चावल है और दाल है, दाल है, और इसमें हरी मिर्च दिख रहा होगा आप लोगों को, और इसमें टमाटर, हाथ में टमाटर, और जो कि ये बाबू डलवा रहे हैं। इसमें डालूंगी नमक, अब पता नहीं कैसी बनेगी, कैसी लगेगी खाने पर ये बाबू। नमक, हल्दी और तेज पत्ता डाल दियो। क्या बनवा रही गाइस, तो मैं आप लोगों की खिचड़ी बनेगी ना, तो मैं देखा होंगी जरूर आप लोगों की खिचड़ी कैसी बनी है ये, और पता नहीं खाने में कैसी लगी। मैं पहली बार मैं इतनी बड़ी खिचड़ी ऐसी बना सकती हूँ। और काट टमाटर नहीं, इतना बहुत है, एक काट दिया बहुत है इतना यार। अब क्या खीरा काट दो इसमें? नहीं नहीं चलो पंखा बंद करूँ, गैस चालू करो। तो गाइज ये है हमारा छोटा सा सिलेंडर, एक बार में चालू नहीं होता, ये दो बार में चालू होता है। चलो देखिए चालू करो, तो वहाँ से खोलोगे जब तो कर दिया। तो गाइज लगने वाली है गर्मी बहुत ज़्यादा, हो गया चालू। तो ये हमारा खिचड़ी बनने के लिए तैयार, इसमें वो तो डालो हल्दी नमक उमक, हल्दी डाल दे सब वगैरह डाल लो क्या? नहीं यार तो ऐसे खिचड़ी बनाओ। हाँ आज तुम भी याद करो क्या खिचड़ी बनवाई है मैंने। ये डाली हल्दी, अब इसमें डालती हूँ नमक। डाल दिया और हल्दी कम ज्यादा तो नहीं है? अरे ठीक है भाई। और वो वहाँ पे अंडे ला के रखा मैं अभी दुकान से सुबह के लिए, क्योंकि अभी पता है खिचड़ी क्यों बना रहे, अभी घर में सब्जी भी खत्म हो गई थी और आज कंपनी की तो छुट्टी थी, इसमें हमारे गए भी नहीं लाने के लिए, देखो सब खा लिए। डेली आते हैं रोटी से, इसलिए डेली सब्जी आ जाती है, ला के रख लो, इसमें क्या खीरा है, टमाटर है, प्याज है, मिर्च है, बस हो गया। उस तो उसको ढक दो आप, और कुछ नहीं डालना ना, और कुछ तो नहीं डालना, मुझे क्या पता, तेज पत्ता डालोगे तो डाल दो। अरे नहीं डालूंगी यार, खराब करवाओगे। इसको अभी तो वो भी करा जाता है, छौंका भी जाता है ना शायद, क्या नहीं, अब इसमें क्या छूकेगा, मतलब वैसे जीरा वीरा नहीं डालते? अब क्या जीरा पत्ता डाल दो पानी में? नहीं छौंकते बन जाता है तब, कैसे डाला जाता है पता होगा। तो गाइस बन चुकी है हमारी बीरवल खिचड़ी, और ये देख सकते हैं कैसी हो गई है, पता नहीं खाने के बाद ये कैसी लगेगी, ये हमको पता नहीं है खाने के बाद कैसा स्वाद होने वाला। तो कैसा लग रहा है खिचड़ी तुम्हें खा के? अच्छा नहीं लग रहा? इसमें क्या क्या कमी लग रही है तुम्हें? अच्छा नहीं लग रहा, इससे अच्छी तो मैं सादा चावल बना के चटनी पीस के खा लेती, तो मैं भरपेट खा लेती। ये आपकी पसंद है बाबू। भाई मुझे भी उतना पता नहीं था, वैसे सही बना होगा। कोई नहीं, खा ले रही हूँ। तो चलो, मतलब खिचड़ी खा के उतना अच्छा नहीं लगा है, चलो ठीक। तो दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए खिचड़ी, कैसी बनी है हमारी। तो गाइस अभी हम लोगों ने काट लिया है, पता है क्या, सामने देख सकते हो
खिचड़ी इस प्लेट थाली में है, और इस थाली में हमने टमाटर काट लिया, खीरा काट लिया, प्याज काट लिया, मिर्च है, और मस्त अब सलाद के साथ रेखा खा रही है। अच्छी लग रही है अब तो थोड़ी? नींबू डाल गया तो खट्टा खट्टा लगा। नींबू डाल लिया तो गाइस अब खा लेते हम खिचड़ी और सलाद, और इसके बाद सोते हैं। आप सभी लोगों को गुड नाइट, और फिर मिलते हैं, देखते हैं एक बार।